हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल मीडिएशंस। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2B आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल। अब मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि इसके हर एक क्वेश्चंस मैंने इंडिविजुअली भी करवाए हैं और वन शॉट वीडियो में भी डाला हुआ है। आप चाहो तो वन शॉट वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर भी मैं इसका प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी पॉलीनोमियल्स के। आइए तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। आठ में कह रहा है क्या कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का हमें जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब मैंने आपको पहले बताया है, यानी कि वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, है ना। चलिए तो हमको इन सब का जीरोस निकालना है। तो आइए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ नंबर वन का, ईजी है बहुत ज़्यादा ही। तो जैसे कि इसमें क्या है, मान लो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस फाइव है। अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम लोग p ऑफ x को जो है ना जीरो लेके चलेंगे, तब हम लोग जीरोस निकाल पाएंगे। तो चलिए तो p ऑफ x की जगह पर मैं जीरो डाल देता हूँ। जीरो इज इक्वल टू x माइनस फाइव, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लूँ। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये फाइव हो जाएगा तो माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव। ये आ गया पहले का आंसर, यानी कि इस x का जो वैल्यू है वो फाइव। वो फाइव अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यही हमें कह रहा था, बहुत ही इजी था। बट इस पे बेस्ड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको जहाँ पर आपको इसका यूज़ पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। नंबर दूसरा में कह रहा है कि हमारा q ऑफ x, तो q ऑफ x को आप जीरो लेके चलो, ठीक है ना। ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। तो q ऑफ x को मैंने जीरो लेके चला। अब q ऑफ x का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, यानी कि x दिस इम्प्लाइज x प्लस चार इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से x का जो मान आएगा x इज इक्वल टू माइनस चार। तो ये आ गया दूसरे का आंसर, ठीक। तीसरा देखो, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड नंबर में कि r ऑफ x जो है हमें वो दिया गया है, यानी कि फिर से हम लोग अब r ऑफ x को जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। और r ऑफ x की जगह पर r ऑफ x का वैल्यू उठाओ, यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज, अब देखो इस 5 को उधर भेज दो, यानी कि 2x माइनस इज इक्वल टू माइनस फाइव, और यहाँ से x का मान निकालो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव बटा टू। तो यही आ गया तीसरे का आंसर। आइए अब आगे चलते हैं, नंबर चार करते हैं। तो नंबर चार में देखो क्या कह रहा है कि f ऑफ x है, तो f ऑफ x को जीरो लेके चलो। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग उसको जीरो लेके चलेंगे, 3x प्लस 1। तो यानी कि f ऑफ x को आप जीरो ले लो तो जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालो, यानी कि दिस इंप्लाइज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से x का मान निकालो माइनस 1, ये 1 हो जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि माइनस 1 अपॉन 3। ये आ गया x का मान। ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसका 4, अब देखिए 5, देखिए 5 में क्या बोल रहा है। 5 में कह रहा है g ऑफ x, तो g ऑफ x इज इक्वल टू आप जो है जीरो ले लो, ठीक। जी ऑफ एक्स का मान यहाँ बैठाओ, यानी कि वो कितना है 5 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज यहाँ से हम लोग इस 5 को भेज दो तो माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये 4 उसको इधर भेज दो तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 बटा माइनस 4। तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, यानी कि 5 बाई 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू आ गया 5 बटा 4। तो ये आ गया हमारा पांचवें का आंसर। छठा देख लो, छठा क्या बोल रहा है। सिक्स्थ नंबर में कह रहा है, सिक्स्थ नंबर में क्या कह रहा है कि एच ऑफ एक्स है, तो एच ऑफ एक्स को आप जीरो लेके चलो, क्योंकि हमें जीरो निकालने के लिए कहा गया है। एच ऑफ एक्स का मान है हमारा कि 6x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 6, काटेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा नंबर 6 का आंसर। साथ देख लीजिए, साथ में कह रहा है हमें क्या कि p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स है, तो p ऑफ x, और वहाँ बोलते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो तो p ऑफ x को जो है आप 0 लेके चलो, और p ऑफ x का जो वैल्यू है ए एक्स, तो ए एक्स यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ से a का मान निकालो तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सो a नहीं x का मान निकालो। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, तो ये a इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, a इधर जाएगा तो, क्योंकि जीरो बटा a यानी कि जीरो हो गया,
यानी कि x का जो मान आएगा हमारा वो जीरो आएगा। x का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। चलिए अब आते हैं आठ नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आठ में क्या कह रहा है? इजी है भी, कह रहा है क्या कि q ऑफ x का हमको निकालना है। तो q ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ले लो, फिर यहाँ पे 4x है q ऑफ x का वैल्यू, तो 4x डालो यानी कि 4x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4, यानी कि 0/4 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारा एट नंबर का आंसर। तो यही कह रहा था इस क्वेश्चन में। मैं तो सारा बताता हूँ, अब चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से लेकर 8 तक मैंने सारा बना दिया है। आई होप सो अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कैसा लग रहा है डियर फ्रेंड्स हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय।